फारूख अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। कांग्रेस आई के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर दिग्विजय सिंह के खिलाफ दबिलपुरा पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने आज दबिलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि चंद रोज कबल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर यह पोस्ट किया कि मदरसा और आरएसएस की जानिब से चलाए जाने वाले सरस्वती शिशु मंदिर में कोई फर्क नहीं है और इन दोनों में मजहब के नाम पर नफरत की तालीम दी जाती है। अमजदुल्ला खान खालिद का कहना है कि इस बयान से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों की तौहीन की गई है। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह से अपील की है कि वो इस बयान पर मुसलमानों से माफी मांगे। श्री दिग्विजय सिंह, जनरल सेक्रेटरी AICC कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के MP, एक ट्वीट किए थे। उन्होंने अपने ट्विटर पे ये बोले कि उस ट्विटर में ये लिखे कि इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन मदरसा एंड सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल रन बाई RSS, आई डोंट थिंक सो, बोथ स्प्रेड हेट्रेड। तो उनका मकसद ये था कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, मदरसों में और RSS के ज़रिए चलाए जाने वाले बाल शिशु मंदिर जो है उसमें दहशतगर्दी की तालीम, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बयान से जो है, दिग्विजय सिंह साहब का बयान आने के बाद से 22 तारीख से मैं आज तक इंतज़ार कर रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी या राहुल गांधी इनके बयान की मजम्मत करेंगे, ये इस बयान से बेताल्लुकी इजहार करेंगे, डिसोन होंगे। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि तकरीबन 5 दिन गुजरने के बाद से आज की तारीख तक इस बयान की ना मजम्मत की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हिंदुस्तान में कांग्रेस में कई मुस्लिम कायदीन हैं, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल से लेके मोहम्मद अली शब्बीर तक, लेकिन एक ने भी दिग्विजय सिंह के बयान की मजम्मत नहीं की। दूसरी चीज़ यह है कि खुद दिग्विजय सिंह साहब को कांग्रेस की तारीख नहीं मालूम। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, उन्होंने खुद एक मदरसे के स्टूडेंट थे। तीसरी चीज़ यह है कि ये जो बाल शिशु मंदिर जो है, RSS के जो शिशु मंदिर चलाए जाते थे, ये वीकली बेसिस पे थे, खाली सैटरडे और संडे चलाए जाते थे। लेकिन यही कांग्रेस की सरबरा जो श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से इसको लीगलाइज करके, इसको फंड्स देके, इसको पूरा 7 दिन के स्कूल, 6 दिन 7 दिन स्कूल के शक्ल में दिए। और पहले हिंदुस्तान के जो HRD मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव साहब, इसका ग्रांट बढ़ाए, बजट बढ़ाए, इसका बाजाफ्ता इसको HRD के तहत लाए। तो अगर ये बाल शिशु मंदिर जो RSS से चलाए जाने वाले हैं उसमें अगर दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है, तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस 60 साल तक राज की इस हिंदुस्तान में, और ये दिग्विजय सिंह साहब के बयान की मजम्मत नहीं करना अखिलियती कायदीन या कांग्रेस सरबरा, तो खामोशी माने खैज है, इनकी बयान की तायद करने के बराबर है। तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों के साथ दिग्विजय सिंह साहब का जो बयान है उसके दिलाजारी हुई है, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। और मुझे और एक बात की हैरत हुई कि हमें इतने ज़्यादा हिंदुस्तान में मदरसे हैं, गली गली एक एक मदरसा है, कोई भी आज तक इनके खिलाफ में जाके पुलिस में कंप्लेंट नहीं किए, क्रिमिनल केस नहीं बुक किए इनके ऊपर, कानूनी कार्रवाई के लिए कोई लीगल नोटिस नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों हमारे मदरसे वाले खामोश बैठे, क्यों हमारे उलमा मशाइखीन मुफ्तियाने इज़्ज़ाम क्यों खामोश बैठे हुए, छोटी छोटी बात पे निकल के एहतजाज करते हैं। मैं आपके द्वारा तमाम मदरसे वालों से ये अपील करूँगा कि आप हर पुलिस स्टेशन में, आपके करीब पुलिस स्टेशन में जाके दिग्विजय सिंह के खिलाफ में कंप्लेंट करें, और कांग्रेस का उस वक्त तक सोशल बायकॉट करना चाहिए जब तक दिग्विजय सिंह ही नहीं बल्कि कांग्रेस की सरबरा सोनिया गांधी और वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी इस ट्वीट के ऊपर और मदरसों के मुसलमानों के खिलाफ में इनके बयान पर माफी चाहना चाहिए। इंस्पेक्टर दबिलपुरा डी वेंकैया नायक ने बताया कि मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद की शिकायत पर एक मुकदमा क्राइम नंबर 28 ऑफ 2017 दफा 295 AIPC में दर्ज कर लिया गया और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आज खालिद अलियास अमजदुल्ला खान MBT स्पोक्स पर्सन आजा के कंप्लेंट करे। 22 तारीख को, ये महीना 22 तारीख को दिग्विजय सिंह साहब जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस
ऑल इंडिया कांग्रेस के एक ट्वीट करे बोल के, वो ट्वीट का ये था कि डिफरेंस बिटवीन कोई मदरसा एंड सरस्वती शिशु मंदिर का दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं बोल के ट्वीट करे। उसके सिलसिले में ऐसा एक मजहबों का ये इनमिटी ये पैदा ज़्यादा करे बोल के हमारे कहा गया स्पोक पर्सन ऑफ MBT कंप्लेंट करे थे, उसके ऊपर आज FIR दर्ज करे और इन्वेस्टिगेशन चल रहा और क्राइम नंबर 28/2017 और सेक्शन 295A दर्ज करे। फारूख अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं, अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।